कहा फिल्म इंटरनेशनल की जानिब से आज टाइगर हॉल श्रीनगर में ड्रीम प्रोजेक्ट राष्ट्रीय राइफल्स कहानी के लिए बाजाब्त तौर पर ऑडिशन किया गया, जिसमें वादी कश्मीर से आए हुए तकरीबन 500 नौजवान लड़के लड़कियों का फिल्म प्रोड्यूसर सोहेल सईद लोन और डायरेक्टर नीरज शाही ने ऑडिशन लिया। इस मौके पर स्क्रिप्ट राइटर मंजूर अहमद, लाइन प्रोड्यूसर व एपी रिहान कादरी के अलावा राजा निसार भी मौजूद थे। फिल्म डायरेक्टर नीरज शाही ने कहा कि राष्ट्रीय राइफल्स फिल्म शूटिंग का मकसद कश्मीर में 90 की दहाई के बाद राष्ट्रीय राइफल्स ने सद्भावना के तहत जितना भी काम कश्मीर के हर एक कोने में किया है वो काबिले सताइश है, क्योंकि RR ने कश्मीर के लोगों और खासकर यहां के नौजवानों को तरह तरह की सहूलियात फराहम की है। जबकि फिल्म प्रोड्यूसर सोहेल सईद लोन ने कहा कि राष्ट्रीय राइफल्स फिल्म शूटिंग का मकसद कश्मीर के हर एक इलाके का जमीनी सूरत हाल पूरी दुनिया को दिखाना है कि राष्ट्रीय राइफल्स ने सद्भावना के तहत कश्मीर में कितना काम किया है। सोहेल ने कहा कि इस फिल्म के लिए कश्मीरी बच्चों का बाजाब तौर पर ऑडिशन लिया जा रहा है ताकि इस फिल्म में ज्यादा से ज्यादा कश्मीरी बच्चों को काम करने का मौका मिल जाए और उन्हें अपना हुनर दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी मुहैया हो जाए। कर रहे हैं, हमारी सारी स्ट्रेटजीज फेल होती जा रही है। मुझे लगता है आपको जरूरी जल्दी से जल्दी कोई कदम उठाना चाहिए, बिकॉज वी आर लूजिंग अवर ग्रिप, वी हैव टू डू समथिंग। जब कुरान पढ़ा था तो पता चला था कयामत के दिन अल्लाह मुझसे ये सवाल पूछेगा कि तुम अच्छे बंदे थे या नहीं, और सिर्फ वही फैसला करेगा, सिर्फ वही। कोशिश तो मैंने बहुत की थी कि मैं एक अच्छा मुसलमान बन सकूं, लेकिन कई गलतियां हो जाती हैं। साहब जी, मुझे भी आपके साथ काम करना है। नहीं साहब जी, अल्लाह पाक की कसम, मैं पैसों के लिए नहीं, कश्मीर में हालात ठीक करने के लिए आपके साथ काम करना चाहता हूं। जनरल साहब, कश्मीर में जात पर हमारी ग्रिप कमजोर हो रही है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। ऑपरेशन सद्भावना की वजह से कश्मीर में हिंदुस्तानी फौज की इमेज बदल रही है। हम जो भी कर रहे हैं हम उसमें फेल हो रहे हैं, हमारी कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है। हेलो सर, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? जी, आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। मेरा नाम सानिया है और मैं कश्मीर की हूँ। My name is Manipal Sir. My contact number is 7006503637. Hi, General Sir. कश्मीर में जहाँ पर हमारी ग्रिप कमजोर हो रही है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम ऑपरेशन सद्भावना की वजह से हिंदुस्तान की फौज की इमेज बदल रही है। हम जो भी कर रहे हैं हम इसमें फेल हो रहे हैं। ये फिल्म का शूट करने हमारा आज का जो ऑडिशंस है, ऑडिशंस में हमें और आज का टारगेट है 500+ बच्चे आने वाले ऑडिशंस के लिए, लेकिन आज सुबह मैराथन की वजह से कम अभी तक आए, लेकिन अभी 6 बजे तक हमने रखा ऑडिशंस, ऑलमोस्ट आ जाएंगे सारे। ये मकसद मूवी का ये है कि कश्मीर का टैलेंट जो छुपा हुआ है और उनको ट्रैक नहीं मिल रहा सही, तो हमारा प्लान ही था कि 75-80% कास्ट में कश्मीर से करूंगा पूरा, जो उसमें साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर यहाँ से पूरे आर्टिस्ट, लेकिन मैं वो करने वाला हूँ। ये मूवी का मकसद वही है कि कश्मीर में जो आज शांति है वो शांति दिखानी। राइफल्स स्टोरी है, हम ऑल राष्ट्रीय राइफल्स 1990 से लेकर 2019 तक हम पूरा दिखा रहे हैं कि RR जब 1990 में बनी थी और 2019 तक उन्होंने काम का किया। इस शूट जो हमारा प्लान है, इसमें कुपवाड़ा में शूट होगा, बारामूला में शूट होगा, सोपोर में शूट होगा, उसके बाद बांडीपुरा, उसके बाद बडगाम, आप मतलब ऑल कश्मीर, उसके बाद साउथ कश्मीर आप जाओगे पुलवामा, त्राल, शुपियन, कुलगाम, अनंतनाग, ये ऑल एरियाज प्लस श्रीनगर सिटी जो है यार, हम पूरा इसमें हर जगह पे शूट कर रहे हैं। हम हर जगह हम रियलिटी दिखा रहे हैं कि RR ने हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में कैसा काम किया, वही हम सब दिखा रहे हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं इस मूवी का डायरेक्टर नीरज सहाय हूँ, और जैसा आप लोग को मालूम है कि 80 के पहले कश्मीर क्या था, इस धरती का स्वर्ग बोला जाता था। सारे हमारे यहाँ पे शूटिंग बॉलीवुड के सारे लोग आते थे और बहुत लकी प्लेस कश्मीर को माना जाता था। लगभग बॉलीवुड की सारी फिल्में यहाँ शूट होती थी और हिट होती थी, लेकिन बीच में उसके बाद ऐसा माहौल बिगड़ा, पड़ोसी मुल्क ने यहाँ पे ऐसी मिलिटेंसी को घुसा के यंगस्टर्स का ऐसे दिमाग को मोड़ा है और उनके दिमाग को गलत तरफ जोड़ के और पूरे कश्मीर को तहस नहस कर दिया। उसके बाद फिर इतनी व्यवस्था यहाँ पे खराब हो गई, इतनी मिलिटेंसी हो गई, और पता नहीं क्या अलगाववाद का एक यहाँ पे जुनून लोगों के अंदर सवार हो गया,
जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय राइफल्स को यहाँ पे स्थापित किया, उसका गठन हुआ 90s में, और उसके बाद फिर राष्ट्रीय राइफल ने कैसा धीरे 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 कश्मीर को नॉर्मल किया, यहाँ मिलिटेंसी को ख़त्म करके यहाँ के नौजवानों को मेन स्ट्रीम से जोड़ा, उनको एजुकेशन दी, उनको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाया, कल्चर में आगे बढ़ाया, ऐसे करते 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 आज देखिए आपके सामने रिजल्ट है, कश्मीर फिर से नॉर्मल हो गया और हम चाहते हैं कि बॉलीवुड फिर से यहाँ जुड़े, शूटिंग हो, यहाँ के लोगों को काम मिले, रोजगार मिले, तरक्की करें। देखिए ये राष्ट्रीय राइफल्स की पूरी जर्नी है, किस तरह राष्ट्रीय राइफल्स इस्टेब्लिश हुई है, किस तरह 90s में जब मिलिटेंसी बहुत पीक पे थी तो इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा था कि हमें एक फोर्सेस तैयार करनी होगी और वो फोर्सेस, उसका नाम दिया गया था राष्ट्रीय राइफल्स। इस तरह से राष्ट्रीय राइफल्स इस्टेब्लिश हुई थी 90s में।